मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पिक्चर चले, लोग देखें। मैं देव का और थैंक्स कहता हूं, देव ने मुझे बुलाया। देव बहुत प्यारा फैमिली का बच्चा है हमारा, डैडी हमारे दोस्त हैं, और डायरेक्टर साहब हमारे, प्रोड्यूसर साहब जो सोच कर इस फिल्म को बनाए, मुझे देव ने बताया ये जो ट्रेलर तो आपने देख लिया है, लेकिन आप फिल्म देखकर लोग खुश होंगे क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है, और मैसेज बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो तो मज़ा आता है। मैंने भी दंगों पे बहुत सारे आइटम बनाए हैं, जब भी यहाँ होता था मुंबई में तो मैंने कुछ ना कुछ आइटम बनाए इस पर। मुझे याद है जब 84 में दंगे हुए, दंगों में मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी दंगों में हुई थी साहब। हाँ, आपको बताऊं, ऐसी शादी के सब कुछ कैंसिल करके एक बत्ती लगा के मोहल्ले में बैठ के शादी की मैंने, कर्फ्यू में शादी की मैंने। जब दंगे फैलते हैं तो कई बातें निकलती हैं, और एक जोश होता है, किस कारण से दंगे होते हैं, कारण बाद में पता चलता है तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं, अच्छा ये कारण था क्या, इसके बीच में कईयों का कारण हो जाता है बिना कारण। तो जोश होता है, हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, चार बदले हमारे अस्पताल में आए, उनके भी बच्चे अस्पताल में लाएंगे, उनको भी दे, ये सब चलता रहता है। वो चार पांच दिन के बाद कोई नजर नहीं आता है, चार पांच दिन के बाद में कोई देखने भी नहीं आता है, बाल बच्चे आ रहे हैं, वो पड़ा हुआ बेचारा, कोई क्या कर रहा है, अरे कोई ऐसा हो गया, इसका इसकी टांग टूट गई, हम भी टांग टूटेंगे यार, क्या बात है, अरे यार आदमी बेहोश है यार, क्या बताओ यार, वो उसका उसका ये हो गया, फलाना हो गया, अरे एक तो यार बंदा बेचारा कोमा में यार, अभी यार 15 दिन हुआ कोमा में, अरे तू तो क्या 15 दिन की बात करता है यार, एक तो 47 से पड़ा हुआ है कोमा में यार, क्या बात कर रहा है, हाँ 47 से पड़ा हुआ है, ये 47 से पड़ा हुआ है, 47 से पड़ा हुआ है, बोला हाँ, बीच बीच में होश में आता है, होश में आते पूछता है गांधी जी ने खाना खाया, फिर लेट जाता है। तो ये तब से चल रहा है। तो हम फिल्मों के जरिए हमारे डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि कहीं ये कहीं तो थम जाए, लोगों की आंखें खुले, एंटरटेनमेंट के साथ एक आर्ट के जरिए कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। जॉनी भाई, क्या कितना बदलाव आएगा जब हम इस तरह के, देखिए एक दंगा ऑलरेडी हिंदुस्तान देख चुका है मुजफ्फरनगर की शक्ल में, जब इस तरह की फिल्म बन के आती है तो कितना बदलाव आएगा और कितना सही मैसेज जाएगा। जब हम हारमोनी की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? नहीं, देखिए फिल्मों के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं लोगों को। देखिए हमारे हाथ में है नहीं, हमारा जो देश है ना, इतने स्टेट्स हैं और सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और फॉरेनर लोग आते हैं वो देख के थोड़ा घूमते कहते हैं कि इस देश को वाकई मैं खुदा पे यकीन नहीं करता था, खुदा ही चला रहा है इस देश को। तो बहुत कठिन है हमारे लीडरों के लिए भी, बहुत मुश्किल है। मैं राइट सर, सबको संभालना, एडजस्ट करना, साहब भी खड़े थे ना जी। तो ये होता है, होता रहता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि लोगों को, लोगों तक क्या बात हम पहुँचाए, एक मैसेज पहुँचाए, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे देखिए, बाकी ऊपर वाला है। ये दंगे पर ही फिल्म बनी है, और उसमें क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या उन्होंने फिल्म बनाया, लेकिन लोगों तक क्या चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, क्या बात एक मैसेज के तौर पे क्या देना चाहते हैं। तो मैंने ये बात उनसे पूछी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मैसेज है, इस दंगे में कम ज़्यादा तो हुआ है, लोग मरे, नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन इंसानियत भी कुछ दिखाई दिया, इंसानियत भी नज़र आई। तो इंसानियत क्या है हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में, कि दोनों ने मिल के क्या
क्या चीज उन्होंने उसमें से क्या निकली, दोनों ने क्या निकली, एक अच्छी बात वो पेश करने की कोशिश की उन्होंने, और वो सुन के मुझे अच्छा लगा। फिल्म देखने के बाद लोगों को मालूम पड़ेगा, ये होना चाहिए। दंगों पे भले फिल्म बनाएं लेकिन फिल्म से लोगों का फ़ायदा ये होना चाहिए कि भाई इससे कुछ बदलाव आए, आगे चल के ऐसे दंगे ना हो, है ना, और लोग समझने लगे कि भाई इसके पीछे क्या होता है, क्यों दंगे होते हैं। ये फिल्मों के जरिए लोगों तक बात पहुंचे तो अगर आसान हो जाता है, और वो चीज़ है इसमें, और ये सुन के अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है लोगों को अच्छा लगेगी। सर आजकल इस पर काफ़ी सारी मूवी आ रही है ऐसे, उस पर लेकर क्या? हाँ जी, इतना फिल्में तो बनेगी, और उसमें यही कोशिश होती है कि एक एंटरटेनमेंट के साथ, ऐसा नहीं कि पूरे दंगे दंगे दिखाएंगे, लोग थिएटर में क्यों आएंगे भाई, गाने भी चाहिए। तो एक एक स्टोरी है, हीरो देव जो है वो मुजफ्फरनगर में क्यों आता है और कैसे क्या होता है उसके साथ क्या होता है, वो चीज़ है। एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है, तो लोगों को मसाला भी चाहिए, मसाले के साथ जो कहना कहिए, तो वो बात है इस फिल्म में। सर क्या चल रहा आजकल? हाँ आजकल क्या प्रोजेक्ट रनिंग है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? मेरा अभी गोलमाल 4 कर रहा हूँ अगले महीने से जी, रोहित शेट्टी उनके साथ कर रहा हूँ, वही हमारा टीम। कितना गोलमाल रहेगा इस पर? हाँ? कितना गोलमाल रहेगा? अरे अभी इस बार तो और ज़्यादा गोलमाल है, बहुत बढ़िया गोलमाल है सर। इसमें तब्बू जी और परिणीति चोपड़ा भी ऐड हुई है, सब पता है इनको यार। यस यस, मुझे नहीं पता था अब वो ऐड हुई है। तब्बू जी है, हाँ मशीन में भी है, मशीन में गेस्ट अपीयरेंस किया मैंने उनके बेटे के लिए, बिल्कुल अब्बास मस्तान भाई के साथ हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, और उनके साथ बहुत काम किया मैंने, वो फिल्म भी आ रही है मशीन। मुस्तफ़ा अच्छा काम किया मुस्तफ़ा ने, मैंने कुछ सीन देखे हैं, बढ़िया काम किया है, और अब्बास मस्तान भाई के बेटे हैं तो अपने बेटे से अच्छा काम करवा के लेंगे और जान लगाएंगे, देखो कैसे फिल्म बनती है। ग्रेट डायरेक्टर्स हैं और अच्छी फिल्म होनी चाहिए। बेटे की बात की तो आपके बेटे के लॉन्च के लिए क्या कुछ कहोगे, क्या हो रहा है, किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है? मेरे बेटे की? ये जी हाँ जी, मेरा बेटा भी लगा हुआ अभी स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल करके आएगा। क्या कॉमेडी में आएंगे क्या? नहीं, वो कुछ अलग ही लेके आएगा भाई, आज के बच्चे में क्या वो क्या लेकर आएंगे हमें पता नहीं होता, हमको बताते भी नहीं है, उनके अंदर एक अलग आग होती है, वो लेके आ जाएंगे करेंगे। सर एक सवाल है काफ़ी हटके है, अपना कंप्यूटर किसको मानते हैं आजकल? एक एक टाइम था खाली आप ही कॉमेडी करते थे, कॉमेडी आप ही करते थे, अब काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, उस टाइम में रियलिटी शोज वगैरह नहीं होते थे। तो मैं किसको मानता हूँ? देखिए मैं अभी जितने लोग कॉमेडी कर रहे हैं, सभी कपिल भी अच्छा कर रहा है, सुनील ग्रोवर अच्छा कर रहे हैं, सुदेश लहरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कृष्णा भी कर रहे हैं, ये लोग अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन फिल्मों में उभर के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे, कोई ना कोई निकल के आएगा, जैसे हम आ गए कोई ना कोई तो आएगा। आना चाहिए इनको, फिल्मों में आना चाहिए। थैंक यू सर। आपके हिसाब से फिल्मों में कौन अभी बताइए? लेकिन सर जो फिल्में बनी हम किसी का नाम लेना नहीं चाहिए, फिल्में फ्लॉप रही है जो भी रही है। अच्छा अच्छा सर, लेकिन ये भी लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि कपिल हैं या जो भी हैं, क्वालिटी तो जो कंटेंट का क्वालिटी वो डेटोरेट हुआ है, क्योंकि आपके समय में इस तरह की नहीं थी कि क्वालिटी, जैसे आपने बाजीगर में काम किया लेकिन कॉमेडी भी थी उसमें, ऐसा नहीं कि आपने क्वालिटी को डिग्रेड किया है, ये कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हत्या से लेके अभी तक का, हत्या में भी आपका कॉमेडी में आपने नीट कॉमेडी की, ये कहना चाहते हैं कि आज के दौर में नीट कॉमेडी नहीं लगानी है। देखिए नीट कॉमेडी क्या, हमने जिससे सीखा है, जिनको देख देख के हम सीखे, हम तो कोई किसी क्लास वास में नहीं गए, हमारे टाइम में किशोर कुमार जी थे, महमूद साहब थे, और किशोर दोनों बहुत महान कलाकार लोग थे, और किशोर कुमार जी बहुत ही नीट एंड क्लीन कॉमेडी करते थे, तो ये हमारे लिए वो आदर्श रहे, तो हमने उनसे सिखाया है और उनको देखा है, तो हम लोग जो कुछ किया जो भी कुछ किया वो ज़माने में होता था, लेकिन आज के हालात कुछ अलग हैं, आज का माहौल अलग है, लोग कुछ और चाहते हैं, उस हिसाब से फिल्म बनती है, तो किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन चीज़ें बनाने में टाइम लगता है, बहुत भुगतना पड़ता है, 100% देना पड़ता है, उसके लिए ना हमारे पास टाइम है, ना राइटरों के पास टाइम है, ना डायरेक्टरों के पास टाइम है। थैंक यू सर। जॉनी एक लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल माहौल चल रहा है क्या, कोई
भाई क्या हुआ, क्या गलती की क्या? देखो अभिनेता, अभिनेता चार अक्षर होते हैं, अभिनेता। अगर मैं बन जाऊंगा नेता तो दो अक्षर कम हो जाएंगे। आए को यार चार लेके। सर 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 सर।